जम्मू कश्मीर पहले से ही भारी बर्फबारी की चपेट में है और अब बर्फीला तूफान जानलेवा बन चुका है। भारी बर्फबारी के बीच गांदरबल जिले में आज सेना का एक शिविर हिमस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक जवान की मौत की खबर है। वहीं एक मेजर रैंक के अधिकारी सहित 8 जवान लापता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि घाटी में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बर्फबारी से तड़के सोनमर्ग में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित सेना का शिविर हिमस्खलन की चपेट में आ गया। सूत्रों के मुताबिक 9 जवान बर्फ के नीचे दब गए। तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया। बचाव दल ने एक शव निकाल लिया है और अन्य जवानों की तलाश जारी है। वहीं दूसरी तरफ कुपवाड़ा में भी एक ही परिवार के कुल 5 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे, जिनमें से महज एक को बचाया जा सका। मरने वाले 4 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। इस वक्त पूरी घाटी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है और मौसम बेहद खराब है। मंगलवार शाम को ही ऐसे बर्फीले तूफान आने की चेतावनी जारी कर दी गई थी और अब बर्फीले तूफान से प्रभावित पूरे इलाके में बचाव कार्य किया जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।